टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर की 28 रुकनी टीम नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में शिरकत की गर्ज से केरला को रवाना हुई, जहां वो 8 से 10 अप्रैल के मुकाबलों में शिरकत करेगी। यूं जम्मू कश्मीर की टीम कौमी धारे की खेलों में भरपूर अंदाज के साथ शमूलियत कर रही है। अप्रैल से 10 अप्रैल तक अलेप्पी केरला में जो प्लेस है बैकवाटर के लिए फेमस है, वहाँ ड्रैगन बोट्स हो रही है। कश्मीर से भी एक ड्रैगन बोट की टीम वहाँ जा रही है पार्टिसिपेट्स करने के लिए, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। कुछ एक लोगों ने हमारे इंटरनेशनल ड्रैगन बोट के कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले चुके हैं 2019 में। एक्सपीरियंस अच्छा है उनके पास, मुझे लगता है कि वो जीत करके आएंगे। केरला और कश्मीर का एक कहावत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं हमारे बच्चे। वहाँ डेफिनेटली अल्माइटी अल्लाह उनको ब्लेस करे, मेडल उनको दे दे। बुडगाम में पासिंग आउट परेड के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में नए भर्ती होने वाले 242 नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत की खिदमत करने का जोश और जज्बा दीदनी था। इनको 44 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया गया है। काफ़ी कुछ ट्रेनिंग हमने प्रयास ये किया था कि सर्दी का टाइम जब बर्फ़ पड़ती है उसके पहले जितना आउटडोर का काम है वो आउटडोर का काम कर लिया जाए, और उसके बाद जब बर्फ़ पड़ी और ज़्यादा सर्दी थी तो हमने इनके इंडोर के क्लासेस किए। काफ़ी डिटेल्ड इनके इंडोर के फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, फायरिंग, परेड, सब चीज़ के ट्रेनिंग वगैरह इनको यहाँ के हमारे ट्रेनर द्वारा दी गई है। बहुत ही अच्छा पासिंग आउट परेड इनकी थी और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी इनकी। मैं इन सबको, आज इनके सबके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए यहां भेजा और बड़े अच्छे जवान होके ये भारत की सुरक्षा करेंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि खूब अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी देंगे और अपने अपने फैमिली का, अपने समाज का, सीमा सुरक्षा बल का और भारत का नाम ऊंचा करेंगे।
बारामूला के इलाके में 12 से 14 साल बच्चों को कोविड वैक्सीन फराहम करने के हवाले से एक मुहिम का आगाज किया गया, जिसको इंडियन आर्मी ने अपनी निगरानी में आगे बढ़ाया। हम यहाँ पर LOC के करीब जो चौटाली गांव है, गगर हिल और दारा कुंजन है, यहाँ पर हमारे 12 टू 14 ईयर्स की वैक्सीनेशन हो रही है। और इस वक्त आर्मी की मदद से जो LOC के अलांग उन्होंने बहुत हेल्प की मोबिलाइजेशन में, और यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर हमने आज 50 के करीब वैक्सीनेशंस की हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, यहाँ बहुत हमारी हेल्प करती है इंडियन आर्मी, और जो भी हमें तकलीफ़ होती है या कुछ भी होता है हम यह इंडियन आर्मी से हेल्प लेते हैं, और आज हमें वैक्सीन भी की है। नत्था टॉप के मुकाम पर होने वाली ताजा बर्फबारी ने सयाहों के एक सैलाब को वहां पर पहुंचा दिया है, जिससे मुकामी कारोबारों को खूब फायदा हो रहा है। इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट देखें। टूरिस्ट जहाँ पे बर्फ़ देखने आ रहा है अभी भी, बाकी इससे ही हमारा भी दाल रोटी चलता है जो भी। हाँ, सर्दियों में हम हर साल जहाँ पे गोलगप्पे बेचते हैं, जो टूरिस्ट इधर बर्फ़ देखने आते हैं उनको ही बेचते हैं। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को AC कूलर की, पंखे की, आओ यहाँ मौज करो। इतनी खुशी मिल रही है, फैमिली के साथ आए हुए हम, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स है, वेदर काफ़ी प्लीजेंट है, और यहाँ पे आइस की वजह से ना थोड़ा थोड़ा कोल्ड भी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है, बहुत प्लीजेंट, बहुत मॉडरेट वेदर है, काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा वेदर है।
गुज़िश्ता एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में सैयाहों की रिकॉर्ड आमदरफ्त नोट की गई है। इलाके में होने वाले मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल्स ने सियाहत को बेपनाह फरोग दिया है। इस सिलसिला में एक खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। विंटर्स में भी बहुत अच्छा टूरिस्ट रश रहा, अगर आप गुलमर्ग की बात करें या बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन विंटर्स में ओपन थे, इस साल भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओपन थे, तो वो ट्रेंड देख के हमें ये पूरी एक्सपेक्टेशन है और आज हम देख भी रहे हैं कि ये जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये एक वेलकम सीज़न है टूरिस्ट के लिए, तो इसमें टूरिस्ट फ्लो भी फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा रहेगा। म्यूज़िक जो है वो बहुत हॉट टचिंग है और फोक म्यूज़िक, और मतलब ऐसा लगता है कि उसमें बीट्स में हम सब खो गए हैं, हमें समझ थोड़ा आ रहा है, बट कल्चर म्यूज़िक ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, उम्दा है। हमें मतलब यहाँ आने से पहले इतना आइडिया नहीं था कि इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं, बहुत ही प्यार और मोहब्बत मिलती है सबसे मिलके, और जगह के साथ साथ लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ एएनआई की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।